उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ऑक्सीजन सप्लायर के नंबर जारी करने के बाद भी अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन सिलेंडर की आ रही है। जरूरत पड़ने पर जब लोग ऑक्सीजन सप्लायर के नंबर मिला रहे हैं, तब ऑक्सीजन सप्लायर सिलेंडर न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो कहाँ गए ऑक्सीजन सिलेंडर? आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर? यह जानने के लिए जब क्राइम स्टोरी ने शहर को खंगाला तो उसे देखकर तो यह आवाज हो गया कि सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर किए जा रहे सरकारी दावे सिर्फ हवाबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल राजधानी में 7,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा राजधानी देहरादून का है। ऐसे में खासतौर पर राजधानी देहरादून में जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो वे लोग अस्पतालों को रुक कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भी इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब लोग ऑक्सीजन सप्लायर पर ऑक्सीजन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी कड़ी मशक्कत और घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो फिर रिफिलिंग भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन सप्लायर भी पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर इस वक्त किसी चीज को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, तो वह है ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। क्योंकि इस बार नई स्ट्रेन में कोरोना के कारण लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन रिफिल करवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों की माने तो ऑक्सीजन रिफिल करवाने के लिए 1 से 2 दिन का समय भी लग रहा है। वहीं ऑक्सीजन सप्लायर की माने तो बड़े सिलेंडर की रिफिलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत छोटे सिलेंडर को लेकर आ रही है। छोटा सिलेंडर 200 रुपए में और बड़ा सिलेंडर 500 रुपए में रिफिल हो रहा है। मैंने तो कल का जमा किया, कल दोपहर को आया, शाम को 6 बजे आया, फिर 8 बजे आया, हवा आया। कल अभी कह रहे देंगे, अभी किस तरह की दिक्कत आ रही है? कोई उनको स्टॉक में नहीं, डिमांड ज़्यादा है। हाँ जी, माँ आती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कल दोपहर को आए थे, उनका जमा कर जा दिए, हमने जमा कर दिया। फिर कहते 6 बजे आइए, हम 6 बजे आए थे तो गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर रात को 9 बजे के बाद मिलेगा, तो 9 बजे के बाद मैं आ नहीं सका। फिर पूछा था 12:30 बजे आइए, तो तब से खड़ा हूँ अभी तक। रिश्तेदार एडमिट थे मेन्स हॉस्पिटल में, मेन्स हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया कि घर में आप सिलेंडर की व्यवस्था करो। सिलेंडर की व्यवस्था 4 दिन से बड़ी मुश्किल से छोटा सिलेंडर हुआ है, लेकिन छोटा सिलेंडर आज 2-4 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है और उसको सर्वाइव करने में बड़ी मुश्किल है। अभी हम उसको सर्वाइव कर रही है वो लेडी, और हम सिलेंडर निकाल के आए बिना ऑक्सीजन के, वो बेड पे लेटी है और उसका ऑक्सीजन 65-70 जा रहा है। फ्लो मीटर का इंतजाम मैंने किया, फ्लो मीटर जो 500 रुपये मिलता है, ये मैंने 6,000 का मार्केट से ख़रीदा है। स्थिति ये है कि भारत वाले कोशिश तो कर रहे हैं पूरी सप्लाई करने की, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है। बार बार मैसेज आता है कि भारत पे अवेलेबल है, हम यहाँ पे आते हैं, बड़ा सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हम बीका पे भी नहीं है, गुप्ता पे भी नहीं है, कहीं भी बड़ा सिलेंडर की अवेलेबलिटी नहीं हो पाई है। जितने भी नंबर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि ये लोग आपकी सेवा करेंगे, मेरे हिसाब से वो सारे नंबर फर्जी हैं। किसी से भी बात करो, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं देता। वो ये कहते हैं कि हम आप हमें खाली सिलेंडर लेके आ जाओ, हम भर देंगे, लेकिन सिलेंडर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जबकि उन नंबरों पे आता है कि हम आपको सिलेंडर अवेलेबल कराएंगे, फिर वो प्रमोशन है उन नंबरों का, बाकी कोई भी फ़ायदा नहीं है। आम आदमी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है। सरकार क्या कर रही है मुझे ये नहीं पता। इस टाइम मेरा जो मरीज है वो ऐसा बिना सिलेंडर के बिस्तर पर लेटा है, सिलेंडर में यह भरवाने के लिए आया हूँ। 1-2 घंटे हो गए, अब उसको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है। अब बड़ी रिक्वेस्ट करके वो सिलेंडर मेरा भर रहे हैं। स्थिति ये है, देखिए ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज ये बड़ी मुश्किल से किसी ने मुझे दिया है, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दिया है, धर्मपुर से मैंने लिया है। अब मैं डिस्क्लोज करके उसका नाम क्यों उसको बदनाम करूँ? उसने मेरे टाइम पे काम आया, ठीक है महंगा दिया है, लेकिन मुझे मिला है, तो अब मैं इसमें नाम नहीं बता सकता, लेकिन धर्मपुर से लिया है मैं। देखो हम तो सिलेंडर दे नहीं पा रहे, अब हमारे पास सिलेंडर नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी हमने सिलेंडर पीछे 15 से 20 दिनों में दिए हैं, उस सिलेंडरों की हमारे पास रिकवरी 1 की भी नहीं आ रही। अगर जो रिकवरी आ रही है, अगर जो मान लो पूरे दिन भर में 1 सिलेंडर आ रहा है, तो 500 की डिमांड है। हम किसको दें किसको ना दें, बड़ी असुविधा है। ये तो भगवान ही है, कहाँ से किसको सिलेंडर दिला रहा, कैसे दिला रहा, हम कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल है। गैस हमारे पे अवेलेबल है, गैस जितनी मर्जी आदमी रिफिल करा सकता है, गैस की कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिलेंडर तो कोई भी नहीं है जी, सिलेंडर छोटा बड़ा गया, 10 लीटर, 40 लीटर, 20 लीटर, रिफिलिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। रिफिलिंग बराबर चल रही है, थोड़ा विलम्ब हो जाता है कि गैस ऐसा ना लिमिटेड है,
तो जब आएगी ख़त्म हो जाती है तो फिर दोबारा आएगी, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा ना। पहले जिस चीज़ की डिमांड नहीं थी आज भरपूर डिमांड है, तो कहाँ से एकदम पैदा हो जाएगी? एकदम तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। नहीं, 2 से 3-4 दिन गलत कह रहे हैं, किसी को नहीं लगे 2 से 3-4 दिन। वो उसको हो सकता है कि कोई स्टोरी कर रहा हो तो वो बात है, वरना आप यहाँ पूछ सकते हैं किसी को भी, 2-3 घंटे हैं, 2-4 दिन की कोई कहानी नहीं है। ये तो अनलिमिटेड है जी, हमने कोई गिनती नहीं करी, हमने कोई अनुमान नहीं लगा, इतना समय नहीं है कि अनुमान लगा सके। है जी, सैकड़ों में ही है जी इंक्वायरी, तो सैकड़ों में, 24 घंटे फोन बोलते हैं जी जितने हैं हमारे। क्या रेट है? 200 रुपये छोटे सिलेंडर का, 500 रुपये बड़े सिलेंडर का।